यहाँ पे अपने पास जो प्रॉब्लम्स दे रखे हैं सॉलिड स्टेट में, फर्स्ट प्रॉब्लम अपन यहाँ पे लेते हैं, तो अपन को यहाँ पे जो बोल रखा है वो ये है कि कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई क्रिस्टलाइज इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर व्हेन वाई एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। वाई एटम्स आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो एक क्यूब बना लेते हैं यहाँ पर। कॉर्नर कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। और कॉर्नर पे जो एटम होता है ना उसका 1/8 पार्ट होता है इसके अंदर, 1/8 पार्ट। तो 1/8 पार्ट है और उस टाइप के 8 एटम है, तो यहाँ पे 1 यानी मतलब y का एक पूरा एटम आएगा इसके अंदर फॉर्मूले में, तो ये दे रखा है। एंड x एटम्स आर एट अल्टरनेटिव फेसेस। तो अगर तुम इस क्यूब में देखोगे तो इसमें दो ही अल्टरनेटिव फेसेस है, जैसे ये एक फेस ले लिया तुमने तो इसका अल्टरनेटिंग ये है, बाकी सारे जो अगर तुम लोगे ना इसके एडजेसेंट हो जाएंगे, जैसे ये वाला इसके एडजेसेंट है, ये वाला एडजेसेंट है, ये वाला भी इसके एडजेसेंट है, तो बाकी जो सारे फेसेस है वो इसके एडजेसेंट हो जाएंगे, सिर्फ यही अल्टरनेटिंग होगा। तो बाकी तो सिर्फ यहाँ पे अपन दो ही एटम रख सकते हैं इसके, और यहाँ पे जो ऐसे फेस पर रखेंगे ना उसका हाफ पार्ट होता है उसके अंदर, तो इसका भी पूरा 1 पार्ट हो जाएगा, नहीं पूरा एक एक्स का एटम, तो जो फॉर्मूला है वो एक्स वाई हो जाएगा इस कंपाउंड का। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी सेकंड प्रॉब्लम है वो ये है, कैलकुलेट दी नंबर्स ऑफ एटम इन ए क्यूब बेस्ड यूनिट सेल हैविंग 1 एटम ऑन ईच कॉर्नर एंड 2 एटम्स ऑन ईच डायगोनल। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये अपना एक क्यूब होता है और क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे जो एटम होता है वो अपना 1/8 पार्ट शेयर करता है, तो वहां से अपने पास 1 आएगा टोटल। और यहाँ पर इसके 4 डायगनल होता है, एक तो जैसे ये हो गया एक, वैसे ही यहाँ पे इससे इसको ज्वाइन करने वाला हो गया, वैसे ही एक ऐसा भी बन जाता है, और एक और तुम बनाओगे तो यहाँ पे 4 बनेंगे कुल मिला के। फोर्थ वाला इधर से बना सकते हो, यहाँ से इधर ज्वाइन करते हुए, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 4 डायगनल बनता है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, तुम चेक कर सकते हो। और जो ईच डायगनल होता है ना, ईच डायगनल पे यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं, 2 पूरे एटम होंगे, तो यहाँ पे 4 डायगनल पे टोटल 8 एटम हो जाएंगे, और एक एटम यहाँ से आ रहा है तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूब बेस्ड यूनिट सेल तो कितना हो जाएगा इसका आंसर अपना? 9। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड प्रॉब्लम अपन को क्या दे रखी है, एक कंपाउंड है जो कि मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर, ए एटम प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। तो तुम्हें पता है क्यूब में 8 कॉर्नर होता है, ये तुम्हें पता रहता है, और 6 का जो फेस होता है, तो यहाँ पे ये अपना क्यूब है, तो इसमें ये वाला कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये सारे 8 कॉर्नर है, और ये वाला फेसेस है, तो ऐसे टोटल 6 फेस होता है, और फेस पे जो एटम होता है वो अपना हाफ पार्ट करता है डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पे इससे 3 आ जाएगा, और कॉर्नर पे होता है वो अपना 8, 1/8 करता है, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ए वाले जो एटम है वो 4 हो जाएंगे यूनिट सेल में। और बी वाले क्या बोल रखा है, प्रेजेंट ऑन द एज सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, तो एज का मतलब है इस जगह, तो एज पे होता है जो वो 1/4 करता है, तो ऐसे अपने पास यहाँ पे क्यूब में 12 एज होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 12 एज होती है, तो यहाँ से अपन को 3 एटम मिलेंगे, और एक इसके बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे बॉडी सेंटर, तो वहां से पूरा 1 मिलेगा, तो बी के भी अपने पास टोटल 4 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A4B4, या इसको तुम सिंपली 4AB भी लिख सकते हो। तो फिर आगे देखते हैं, तो अपने पास यहाँ पे जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो क्या दे रखा है, इन्हें एफसीसी अरेंजमेंट ए एंड बी एटम्स हुज ए एटम्स तो कॉर्नर पे है और बी एटम है फेस सेंटर पे, एफसीसी अरेंजमेंट में तो ए एटम मिसिंग हो जाता है एक कॉर्नर से ऑफ यूनिट सेल, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, तो एफसीसी में क्या होगा, एफसीसी में जो तुम्हारा एटम होगा या कॉर्नर पे भी होगा और सारे फेसेस पे भी होगा, जो 6 फेसेस है, अब यहाँ से एक कॉर्नर से तुमने हटा दिया, मतलब ए वाले कॉर्नर पे थे तो कॉर्नर पे उसका कितना पार्ट आ रहा था, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो पूरा 1A एटम आ रहा था, और जो अपना 6 मल्टीप्लाई बाय हाफ तो अपने जो 3 है वो B एटम आ रहे थे, ये ठीक है ना।
अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो एक हट गया, तो अब 7 ही बचे, और 7 1/8 पार्ट करेंगे तो अब की बार 7/8 a आएगा, और यहाँ पे b वाले अपने पास 3 है, तो इसका सिर्फ 7/8 पार्ट ही आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड b 3 एंड a 7/8, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो तो b 24 एंड a 7, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सिंपलेस्ट यहाँ पे एक यूनिट सेल में इसका 7/8 पार्ट रहेगा और इसका 3b पार्ट रहेगा। तो होल नंबर के फॉर्म में लिखो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ये भी सही है, a 7 b 24। तो इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, तो अगर तुम अच्छा अगर सोच रहे हो कि प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तो अपन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इस चीज को। फिर मिलता है बाद में।